खबर बिहार के बांका से है, जहां पर पकड़िया पंचायत के पंचायत समिति अनिल मंडल से हमारे संवाददाता शहनवाज आलम ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के कार्यकाल में बराबर में हमने सभी योजनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से धरातल पर उतारा। पहले हम वार्ड सदस्य थे, अभी हम इस पंचायत के पंचायत समिति हैं और पूरी मेहनत से सरकार के सभी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं शहनवाज आलम की बांका से खास रिपोर्ट। क्या नाम है पंचायत समिति साहब? अनिल मंडल। किस पंचायत से हैं? पकड़िया पंचायत से। अच्छा अच्छा। आप जो अभी दो साल क्या क्या काम किए हैं, क्या कार्य किए हैं, थोड़ा सा बताइए। पंचायत समिति मध्य में जो भी आवंटन होता है जी जी, हम लोगों को बराबर भागीदारी मिला जी। तीन चार योजनाएं हमने कराई जी, छात्र पॉजिटिव में जी, पंचायत क्षेत्र में जी, काम संतोषजनक करवाए, पब्लिक खुश रहा जी जी। कोई भी आदमी देख सकता है उसमें कोई कोई शिकायत नहीं है। पब्लिक भी की तरफ से मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। चार वक्त कराए हैं, फिर जैसे जैसे आवंटन होता है होगा उस हिसाब से हम लोग प्रमुख साहब के पास आदेश रखते हैं, बता देते हैं कितना पैसा आपके पास आया है, फिर उसमें आप लोग सबसे मिट्टी मिल के बांट के अपना अपना जो योजना है काम कर रहे हैं। लोगों से आपको उम्मीदें क्यों रहती है? जनता नाम ले रहा था, पकड़िया पंचायत घूम रहे थे तो जनता नाम ले रहा था, क्यों उम्मीद ज़्यादा रहती है? उम्मीद ये कि हम पब्लिक के साथ जब से हैं, मान लीजिए हम 2001 से पंचायत का राजनीति कर रहे थे लगातार, हम 2001 से 16 तक वार्ड मेंबर इस पंचायत का जी, 12 नंबर वार्ड का पंचायत समिति से स्टैंड किए, पब्लिक मौका दिया, भारी मत से हमको जिताए। हाँ, मेरा स्वभाव समझिए या जो समझा जाए, जरा समझा जनता का जो भी कुछ दुख होता है या मान दुख सुख में शामिल हर उजा बजाते हैं, जिस तरह का मान निजी को लाभ लेना लेना होता है, यहाँ कोई कठिनाई होता है तो याद करता है तो हम तुरंत पहुँच जाते हैं और उनका सेवा समाधान करा देते हैं। अभी जो आपका पौने दो साल का कार्यक्रम जो चल रहा है पंचायती राज विभाग के माध्यम से, बीपीआरओ साहब के माध्यम से, प्रमुख के माध्यम से, तो जनता से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? जनता से सहयोग, पकड़िया पंचायत वासियों का जनता से सहयोग यही मिल रहा है कि जो सार्वजनिक काम हो जी जी, जो जनता चाहे जी जी, जनता का तो मांग अनेकों है, हर आदमी का पब्लिक का अलग अलग मांग होता है, लेकिन जो सार्वजनिक मांग होता है, सार्वजनिक चीज होता है, उसमें हम भागीदारी लेकर के उस वक्त काम करवाते हैं जी जी। बराबर जनता से मिलना जुलना होता रहते रहता है, महीने दो महीने में नहीं भी काम रहता है तो फिर भी जाके जनता से दुख सुख, यानी लोगों से मिलना जुलना आपकी ये पहली प्राथमिकता है ना? पहली प्राथमिकता। आपके पंचायत में, पंचायत समिति साहब, नल जल की क्या स्कीम है? नल जल की तो यहाँ खास करके 12 नंबर वार्ड जी जी अच्छी स्थिति है, कोई शिकायत नहीं है आपके यहाँ देख सकते हैं। हाँ वो तो हम देखे, 11 नंबर वार्ड है, सब जगह जगह मिला जुला के स्थिति बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निजी विभाग से जो भी चपाकल वगैरह अगर आ गया है, जहाँ पब्लिक हमको बोलता है कि ये चपाकल मेरा खराब हो गया, तुरंत हम पीएचडी विभाग से उस हिसाब से बात करते हैं जी जी, तुरंत पीएचडी के जेई से बात करते हैं, पीएचडी विभाग के जेई से बात करते हैं। और अभी फिलहाल अभी दो बिशनपुर में, बिशनपुर में पंचायत ये आपका भवन है पुराना पंचायत, उसके पास चपाकल खुलवा करके की करवाए, एक तो जो है विनोदानंद सिंह के पास था, कंप्लेन आया था, चपाकल खुल के रखा है, अभी नाम ठीक हो जाएगा। आगे के लिए क्या रणनीति है? आगे के लिए भी क्या बोला जाएगा, भविष्य हाँ जी जी, कामनाएं हैं सबकी दुआ। हाँ तो सामने है कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा जो सामने हम लोग का हिंदू धर्म का मुख्य पूजा है, उसके लिए हम लोग मैसेज भी छोड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने पंचायत के लोगों से, अपने करीबी लोगों को फेसबुक पर छोड़ दिए हैं, शुभकामनाएँ दी हैं और बधाई भगवती से ये कामना करते हैं कि